हेलो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट अरविंद कुमार। स्वागत है एक बार फिर अरविंद फार्मेसी यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे न्यू फोर्स पाउडर के बारे में, जो कि यह घमोरिया में और शरीर पे दाद, खाज, खुजली की समस्या में इस्तेमाल किया जाता है। तो इस वीडियो में जानेंगे न्यू फोर्स पाउडर के बारे में पूरा, और इसको किस किस परेशानी में लगाया जाता है और कैसे लगाया जाता है और कितने दिन तक लगाया जाता है, ये भी जानेंगे, और इसको लगाने के क्या साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, ये सब जानेंगे। तो बना रहिए वीडियो में अंत तक, वीडियो को अंत तक देखिए। आइए बात करते हैं न्यू फोर्स पाउडर के बारे में। तो न्यू फोर्स पाउडर जो कि लाइफ मैनकाइंड कंपनी का दवा आता है, और ये आपको 75 ग्राम पैक आता है, बड़ा पैक भी इसका आता है, और ये आपको 93 रुपये में मिल रहा है 75 ग्राम। बात करें कंपोजिशन का, तो इसमें कोट्रिमाजोल डस्टिंग पाउडर होता है। कोट्रिमाजोल जो कि एक एंटी फंगल है और एंटी बैक्टीरियल भी है, जो कि यह शरीर पे कहीं भी घमोरिया हो गया है, दांत खाज खुजली हो गया है, तो उसके परेशानी में इसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि गर्मी के दिन में ज़्यादा पसीना होता है शरीर पे, उसके चलते दाना निकलने लगते हैं, घमोरिया होने लगते हैं, खुजली होने लगते हैं, और दाना दाना होकर पानी निकलते हैं और खुजलाते हैं, तो उन सब परेशानी में इसको इस्तेमाल किया जाता है। और गर्मी के दिन में अंडर पार्ट पे मेल या फीमेल को ज़्यादा पसीना होता है, उसके चलते काच लग जाते हैं, तो उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि पानी को अब्जॉर्ब कर लेता है और ये आपको घमोरिया नहीं होने देता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एब्जॉर्बेंट डस्टिंग पाउडर, यानी आपको जो पसीना निकलता है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और जिसके चलते आपका एंटी फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा, उसके चलते आपको दाद, खाज, खुजली, घमोरिया इस तरह का समस्या नहीं होगा। और बच्चों को जैसे कि डायपर के चलते उन लोगों में एंटी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसमें भी चलाया जाता है, जैसे कि घमोरिया हो जाता है, तो उन सब परेशानी में दिया जाता है, और ये आपको काफ़ी जल्दी फ़ायदा मिल जाता है। और जैसे कि पुरुष के या महिला के अंडर पार्ट में अगर ज़्यादा खाज खुजली हो गया है, तो उसमें लगाया जाता है और काफ़ी जल्दी फ़ायदा मिल जाता है। ये जो न्यू फोर्स पाउडर है वो काफ़ी अच्छी कंपनी का है, और इसको 2 से 3 बार लगाने में ही ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको अगर परेशानी है तो आप इसको 1 सप्ताह लगाएं रेगुलर, काफ़ी जल्दी आपको फ़ायदा मिल जाएगा, जो कि ये दांत, खाज, खुजली, घमोरिया में काफ़ी बेस्ट रिस्पांस मिलता है। ख़ास तौर से गर्मी में भी ये ज़्यादा लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। अब बात कर लेते हैं इसको कैसे लगाया जाए कि ज़्यादा फायदा करे। तो इसको लगाने का ये तरीका है कि आप जहाँ पे दांत, खाज, खुजली या घमोरिया हुआ है, तो उसको साफ़ कर ले, और उसके बाद पानी सुखा ले, तब इसको लगाएं। दिन में 3 टाइम लगाएं हो सके तो, और नहीं तो 2 टाइम आप सुबह शाम लगाएं। और पूरे शरीर में है घमोरिया तो आप डेली नहाएं, प्रयास करें डेली नहाने का, और उसके बाद इसको लगाएं। और आप कपड़ा ढीला ढाला पहने, जैसे जींस ना पहने, सूती का कपड़ा पहने ढीला ढाला शरीर में, तो जिसके चलते पसीना होगा, तो आपको ये पाउडर एब्जॉर्ब कर लेगा और दांत, खाज, खुजली होने से बचा देगा। ये तरीका है बचने का दांत, खाज, खुजली और घमोरिया से, और लगाने का तरीका। साइड इफ़ेक्ट जान लेते हैं। साइड इफ़ेक्ट इसका नॉर्मल है नहीं, क्योंकि ये टॉपिकल एजेंट है, टॉपिकल एजेंट का कोई साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको लगाने के बाद लाल पड़े दाना पे, स्किन पे, या खुजली होने लगे, जलन होने लगे, तो समझ साइड इफेक्ट कर रहा है और ना लगाए बंद कर दें। ये साइड इफ़ेक्ट था, और ये रहा पूरा जानकारी न्यू फोर्स पाउडर क्रीम पाउडर के बारे में। जगह जैसा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह से आपको मेडिसिन के बारे में रेगुलर जानकारी मिलता है इस चैनल पे। धन्यवाद।